हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से नामांकन भरा गया है। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, तमाम विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हरियाणा में राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी के दो उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन के दौरान सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस के ज्यादातर विधायक मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा नामांकन के वक्त नहीं पहुंची। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की ओर से किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया गया और कहा कि वो कुमारी सैलजा से उनके आवास पर आशीर्वाद ले चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और जैसे ही मेरी टिकट का फैसला हुआ, सबसे पहले मैंने जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उन्हीं के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। तो पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं और वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। कुमारी सैलजा की सीट खाली होने पर रोहतक से 3 बार के सांसद रहे दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, ऐसे में पार्टी नेता किसी भी तरह के मतभेद होने से इनकार जरूर कर रहे हैं। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। 16 मार्च को स्क्रूटनी और 18 तारीख को नामांकन वापसी की तारीख है। यदि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती है तो संख्या बल के आधार पर दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है।